दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत आज हम सभी के बीच नहीं है। हमारे बीच अगर कुछ बची है तो बस उनकी वो चंद यादें, जिसे याद करके हम काफी इमोशनल हो जाते हैं कि आखिर इतने जल्दी सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है जिसमें मैंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा अगर अपने फैंस के साथ जो भी बातें शेयर करना चाहती होगी तो वो क्या बातें कहना चाहती होगी, जो उनके साथ चली गई, जो बातें उनके दिल में थी वो उनकी मृत्यु के बाद उनके साथ चली गई। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैंने जो लिखा है उसे सुनने के बाद शायद ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और कोशिश यही है कि जितना हो सके इस वीडियो में मैंने वो सारे इमोशंस डालने की कोशिश की है, वो सच्चाई दिखाने की कोशिश की है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मन की बात है वो इस वीडियो में दिखा सकूं। तो दोस्तों इस कविता को आप सुनिए, समझिए और ये महसूस कीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत हम सभी से क्या कहना चाहते हैं। मैं सुशांत हूं, जिंदा हूं आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी हर सांस में। मैं आप ही जैसा था, मेरी आत्मा भी वैसी ही है, मेरे मरने के बाद भी साफ, कोमल, पवित्र, इस मतलब की दुनिया से दूर, बहुत दूर, इतना दूर कि अब दोबारा इस मतलब की दुनिया में आने का मन ही नहीं। क्योंकि आपकी दुनिया में फिर से आऊंगा तो वही गलती दोहराऊंगा, क्योंकि आपकी दुनिया में फिर से आऊंगा तो वही गलती दोहराऊंगा, आंख बंद कर फिर से भरोसा कर जाऊंगा किसी पर भी। मेरे दोस्त, मेरे नौकर, मेरी प्रेमिका, वो लोग जिनके साथ मिलकर मैं मेरे सपनों को पूरा करता था। मेरे दोस्त, मेरे नौकर, मेरी प्रेमिका, वो लोग जिनके साथ मिलकर मैं मेरे सपनों को पूरा करता था। हर बार गिरता था, खुद से उठता था, लेकिन हिम्मत नहीं हारता था। जब सोता था तब सपने देखता, नींद खुलती तो उन सपनों को पूरा करने एक लंबी दौड़ लगा जाता था। लेकिन इंसान से ईमानदारी की बात सोचना ही गलत है, बस यही बात मैं जीते जी सीख नहीं पाया। ये बात मैंने तब सीखी जब मुझे मार दिया गया। उन्हें लगा ये तो मर गया है। अरे मरा तो मेरा शरीर था, मेरी आत्मा तो वही थी। उनकी हर प्लानिंग को देख रही थी कि हत्या को आत्महत्या में कैसे बदलना है। मेरा फर्ज भी वही था लेकिन एक कमरे में बंद था। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि उसकी वफादारी के पट्टे से ही मेरी मौत हुई है। काश ये बात उसे पता भी ना चले, इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बेगुनाह होते हुए भी वफादारी पर मर मिट जाएगा। वैसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मेरी गलती क्या थी? यही ना कि मैं सपने देखा करता था कुछ हटकर, इतना कि लोग जलने लगे, हर बार तरह तरह के आरोप लगा, मुझ पर शतरंज के हर दाव चलने लगे। मैं वुमेनाइजर हूँ, स्कर्ट चेजर हूँ, ड्रग्स लेता हूँ, पागल हूँ, शूटिंग पर बदतमीजी करता हूँ, ना जाने क्या क्या बातें। भैया टाइम ही कितना लगता है किसी को बदनाम करने में, पैसा फेंको, मीडिया में तमाशा देखो। मेरी बहनों से हर साल मैं वादा करता था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं खुद की ही रक्षा नहीं कर पाया। इस रक्षाबंधन वो राखी किसे बांधेगी? किसके माथे पर चंदन का तिलक लगाएंगी? किसकी आरती उतारेंगी? किसे कहेंगी कि भाई इस साल राखी पर क्या देने वाले हो? सुबह होते ही पापा फोन करते थे, रात को हालचाल पूछे बिना सोते नहीं थे। देखो अब कैसे एक ही जगह बैठे रहते हैं। क्या करे, जवान बेटे को कंधा दिया है ना, आखिर कौन चाहेगा कि वो अपने जवान बेटे की मौत देखे? ना बीमारी ना कोई लाचारी, फिर भी मर गया। ये सवाल उनके जीवित रहने तक उन्हें चुभता रहेगा, मेरे पापा इतना बोझ लेकर कैसे जिंदा रह पाएंगे। जो भी उनसे मिलने आता है बस एक ही बात बोलते हैं, दो रोटी कम खाना लेकिन बड़े सपने देखने की हिम्मत नहीं करना। जब तक धक्के खाएगा लोग साथ देते रहेंगे, जिस दिन सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा जीते जी मार दिया जाएगा। मैं आपको डराने का काम नहीं कर रहा हूं, बस किसी पर भरोसा नहीं करना है ये बात सिखा रहा हूं। मैं आपको डराने का काम नहीं कर रहा हूं
बस किसी पर भरोसा नहीं करना है ये बात सिखा रहा हूँ। मुझे मारकर उन्हें क्या मिला? आखिर वो भी तो इंसान ही है ना। मुझे मारकर उन्हें क्या मिला? आखिर वो भी तो इंसान ही है ना। करोड़ों कमाएंगे लेकिन 100 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। मैं और मेरे सपने तो मर गए लेकिन इनके सपने इनके हाथों में होंगे, जिसे देख ये हर पल मुझे याद करेंगे। जिंदा रहेंगे लेकिन तिनका तिनका घुट घुट कर मरेंगे। यहां सब अच्छा है, सुकून है। यहां सब अच्छा है, सुकून है। मेरी माँ भी यही है, रोज अपनी गोद में सुलाती है, मेरे सोने तक कुछ गुनगुनाती है, लेकिन सोने के बाद रोती है, जी भर कर रोती है। कभी कभी ये पूछती है कि तेरे गले पर ये जो निशान है, इसे जिन लोगों ने दिया है, क्या उन्हें सजा मिलेगी? पता है, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। माँ का ध्यान हटाने के लिए थोड़ी एक्टिंग थोड़ा डांस कर लेता हूँ लेकिन माँ तो माँ ही होती है। बेटे को क्या तकलीफ है वो सब जानती है, इसलिए मौका मिलते ही अकेले में आंसू बहाया करती है। अब तो मेरा भी मन नहीं करता कि मेरा जन्म दोबारा इस धरती पर हो फिर सपने देखूंगा, फिर मार दिया जाऊंगा। लेकिन जब देखता हूं कि मेरे चाहने वाले कितने दुखी हैं, हर रोज कितनी कोशिश करते हैं कि मुझे इंसाफ मिल सके, मन करता है सिर्फ इनके लिए भगवान से कोई ताकत मांग लूं और इन सभी से दो चार बातें कर लूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अच्छा चलता हूँ, माँ बुला रही है। आप सब अपना ध्यान रखना और अपने दिल से मुझे कभी मत निकालना। आखिर मरने के बाद कुछ तो साथ लेकर आया हूँ, वरना मेरी सारी धन दौलत तो वहीं पड़ी है, किसी काम की नहीं। आई लव यू ऑल दोस्तों, आपका सुशांत सिंह राजपूत।